गुड मॉर्निंग शिव सागर, ये है अहोम किंगडम का कैपिटल और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं पहुँच गया हूँ, 6:15। ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है सिंस 1972, मतलब 1972 से यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। एक घंटा से वॉकिंग कर रहा हूँ, है ना, और मुझे पहुँचना है जयसागर टैंक। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, बट लिफ्ट तो मिल नहीं रही है यार। तो अभी हम खड़े हैं विष्णुदेव मंदिर प्रांगण में और ये काफ़ी प्राचीन है इसलिए इसका महत्व है। थोड़ा सा बागीचा है, मतलब बाग बना हुआ है चारों ओर मंदिर के। और यहाँ पे ये फेमस तालाब है जयसागर तालाब, जो कि उसी समय उन्हीं राजाओं ने निर्माण करवाया था तालाब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये हमारे मुजिबुल भाई हैं और क्या कह सकता हूँ इनका, कल इन्होंने लिफ्ट भी दिया, शाम हो गई थी तो सर ने बोला कि चलिए अब हमारे पास ही रुक जाइए। सर का यहाँ पे घर था तो इन्होंने अपने साथ ही बोला, नहीं नहीं अब आगे मत जाइए, आप यहीं मेरे साथ रुक जाओ। तो थैंक यू सर इसके लिए। ये ह्यूमिनिटी जो है ना, याद रहेगी, दिल को छू लेने वाली बात होती है भाई। तो सर अभी मुझे बोल रहा है चलो आपको रोड तक छोड़ देता हूँ। आगे उन्होंने कल काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया, मैं तो सोचा नहीं था, लेकिन सर ने बोला कि अब शिव सागर में काफ़ी कुछ है, जाके उसको एक्सप्लोर कर लेना, देख लेना, फिर आगे जाना। तो अच्छी बात बता दी, तो मैं उसे देखते हुए जाऊँगा। अभी ये नेशनल हाईवे तक जा रहे हैं। सर इस गाँव का नाम क्या था? सर सागोलिया गाँव में रुका था सर के साथ, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी मेहमानबाजी किया सर ने। सर आसाम से हैं, है ना, तो एक फर्स्ट टाइम आसामीज फैमिली में रुकने का मौका मिला, है ना, तो एक वहाँ का भी ट्रेडिशन देख लिया, काफ़ी मतलब बढ़िया, बिल्कुल अच्छा लगा। तो ये सागोलिया NH-37 चाय वाय पिया और निकले यहाँ से सीधा जो है आगे शिव सागर के। अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो यहाँ पे चाय वाय सर ने जो है चाय वाय पिला दिया, तो हम अब बोल रहे हैं कि सर अब हम विदा लेते हैं। हाँ, 5:15 सुबह के 5:15 बजे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिचहाइकिंग का, और यहाँ से हिचहाइक करके मुझे जाना है, यहाँ से 26 किलोमीटर है शिव सागर से। वेट कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए, बट कोई स्टिल रोक नहीं रहा है। सुबह सुबह थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, पर मिल जाएगा लिफ्ट, ऐसा नहीं है, होप करना हम लोग का काम है। होप कर रहा हूँ लिफ्ट भी मिल जाएगी जल्दी। और ये है नेशनल हाईवे NH-37। तो ये आज की पहली लिफ्ट, और सर ने रोका, थैंक यू सर। और मैं सर शिव सागर तक जाऊँगा। मैं हूँ सर नोमैड PRS और ये मेरा टूर है, नोमैडिक टूर, हिचहाइकिंग करके इंडिया टूर करना सर। तो अभी आया था आपका नॉर्थ ईस्ट और मैं कल पहुँचा हूँ यहाँ पे शाम में। एक भाई साहब लिफ्ट दिए थे सादिया से, यहाँ तक लेके आया था उन्होंने। आज ये सुबह सुबह पहली लिफ्ट मिली है सर ने दिया है, ये इंडियन गैस का वो है और इसमें लिफ्ट मिली है, तो थैंक यू सर। 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, पर स्टिल लोग देते हैं लिफ्ट, थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखने से ना लिफ्ट तो मिल जाती है। आसाम सबसे बढ़िया है अरुणाचल। हाँ आसाम, ओके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हाँ मिजोरम, हाँ। तो ये ऐसे 7 स्टेट हैं जो मतलब पहले सिर्फ यही था, नहीं ये अपना नेपा बोलते थे। ओके ओके, आप सर शिव सागर तक जा रहे हो आपका? ओके ओके, हाँ हाँ, मतलब पूरा देह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो सर के साथ पहुंच गए हम शिव सागर, यानी आज की पहली लिफ्ट मिली सर ने दिया और हम पहुंच गए शिव सागर 26 किलोमीटर। तो यहाँ पे सर ने काफ़ी जानकारी दिया, काफ़ी कुछ बताया कि शिव सागर क्यों फेमस है। अभी जाएंगे यहाँ का जो हिस्टोरिकल अप्रोच है उसको पूरा एक्सप्लोर करूँगा। बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ, फुल डे बोले रुकिए, पूरे दिन रुक करके यहाँ पे जो यहाँ का किंगडम था, जो अहोम किंगडम 600 साल पुराना है, उसके बारे में यहाँ बहुत कुछ अभी भी
उनका साक्ष्य है ना, एविडेंस है, उस एविडेंस को देखना है, कोर्ट है और उनके सारे साक्ष्य यहाँ हैं मौजूद। तो वो थोड़ा हिस्ट्री को एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये है आपका शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, जिला है ना सर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है शिवसागर, काफ़ी हिस्टोरिकल है और सर बोलने में बड़ा भी है, ये अच्छा है। मेरा नाम है ओंकारजीत कुपर। ओके सर, और आप यहीं से हैं ना सर? हाँ, मैं यहाँ आसाम से ही है। थैंक यू सर, सर ने 28 किलोमीटर का लिफ्ट दिया और आज का पहला मेरा ये लिफ्ट दिया हूँ शिवसागर। गुड मॉर्निंग शिवसागर, ये है अहोम किंगडम का कैपिटल और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं पहुँच गया हूँ, 6:15। मुझे 5:30 के आसपास लिफ्ट मिल गई थी, एक भाई साहब ने लिफ्ट दिया 26 किलोमीटर का और मैं पहुँच गया हूँ शिवसागर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही है शिवसागर और अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी कुछ यहाँ पे है देखने के लिए। यहाँ से मुझे जो सागर टैंक के लिए ना लिफ्ट मांगता हूँ, सीधे ही है, स्ट्रेट ही बता रहा है, यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर है, तो चलता हूँ। ये है शहर, सुबह सुबह सब लोग उठ रहे हैं अभी। ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है सिंस 1972, मतलब 1972 से यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। शिवसागर बस स्टैंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैं चल रहा हूँ शिवसागर टैंक की ओर। अभी सुबह के 7:15 हो गया है और मैं 1 घंटा पहले यहाँ आ गया था, यानी 6:15, 1 घंटा से वॉकिंग कर रहा हूँ है ना, और मुझे पहुँचना है जयसागर टैंक। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, बट लिफ्ट तो मिल नहीं रही है यार, तो लिफ्ट दे नहीं रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका, तो ये एक प्रॉब्लम है अपने साथ कि एग्जैक्ट पता नहीं है लोकेशन। ठीक है यार, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, कोई बाइक वाला मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि जयसागर टैंक के लिए ऑटो भी पूछ रहा हूँ तो वो जा नहीं रहा है, शायद ऑटो रूट नहीं है यहाँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मुझे कोशिश किया लिफ्ट लेने का लेकिन लिफ्ट मिला नहीं। 40 रुपीज़ देंगे और उसके बाद ये मुझे जयसागर टैंक छोड़ देंगे। तो मैं पहुंच गया हूँ जयसागर तालाब, जयसागर पोखरी, जयसागर टैंक, जो बोल स्नान कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई रोकता नहीं है ना। ओके, तो मैं थोड़ा यहाँ स्नान कर लूँगा क्योंकि ठीक है। ओके सर, कई घाट होगा ना, ओके ना देख लूँगा। ओके, उधर में पार्क है, ये है जयसागर टैंक। ओके ओके, और यहाँ पे इसकी पहचान है, ये शिवसागर कॉलेज है जो कि 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था, हिस्टोरिकल प्लेस है, अहोम राज्य का एक कैपिटल हुआ कर रहा था। और ये है यहाँ का पुराना, ओल्ड समझ लो, सबसे पुराना तालाब। ये जो अहोम राजा थे, ऐसे इनका शासन जो है उस समय बर्मा के राजा थे सब, और ये हिंदू राजा थे और उन्होंने इस तालाब का निर्माण और मंदिर का निर्माण एक साथ करवाया था है ना। 600 से 700 साल पुराना ये तालाब है जिसको बोलते हैं जयसागर तालाब। जयसागर तालाब आ गया हूँ, ये ओपन है अभी, बाकी सारी जो साइट्स हैं जो भी हैं वो सब 8 बजे के बाद खुलेंगे। ये है विष्णु मंदिर बोलते हैं इसको, और ये बहुत प्राचीन है, अहोम राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। चलते हैं टेंपल के अंदर है ना। यहाँ पे 20 रुपये की टिकट है, ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे तो 20 रुपया, कैश करोगे तो 25 रुपये ऐसा है। ये ना ईंटा जो है ना चौड़े हैं यार यहाँ पे, तो यहाँ पे ना अहोम राजाओं का शासन था और उसके दौरान ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है बनाया गया था। यहाँ उस समय की ईंटें हैं, 1674 में ये मंदिर का निर्माण का अतिथि है, वैसे 1714 राजा रुद्र प्रताप सिंह अहोम राजा। ये है मंदिर का गर्भगृह, ये विष्णु भगवान को समर्पित है यहाँ पे, और काफ़ी प्राचीन है मंदिर, तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अंधेरा है भाई, बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं।
लाइट आके जाना होगा, गर्भ भी है तो अंधेरा है, अंदर का तो कुछ दिखेगा ही। ये है मंदिर, आप देख सकते हो पुराना, मतलब आपको आसाम में ना, क्योंकि अहोम राजाओं का शासन रहा था तो उनके द्वारा इसी प्रकार के ना बनाए जाते थे, और ये पूरा मंदिर का ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए इस पे ना नरसिंह भगवान का और सभी देवी देवताओं का ना चित्र अंकित है इस पे, ऐसे प्राचीन काल से। और ये पत्थरों से निर्मित है भाई, पत्थर का है पूरा एकदम, किसी का तो टिका हुआ अभी तक, सीमेंट का यूज तो होता नहीं था पहले। इसमें ना सभी देवी देवता आपको दिखेंगे, ऐसे नीचे भी भाई, सभी देवी देवता ही। धीरे 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 पुराना होने से ना पुराना होते जा रहा है, बट मंदिर कुछ मायने में तो क्योंकि प्राचीन है तो ऐतिहासिक है थोड़ा, है ना, इसका इतिहास तो काफ़ी पुराना है, मतलब आज से 600 साल पहले की बात है। आपको इस टेंपल का आर्किटेक्ट दिखाया, टेंपल का आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है, प्राचीन है। उस समय ये इस तरह का ब्रिक यूज किया गया, पतला पतला था लेकिन चौड़े चौड़े थे, ठीक है, ये पुराना ब्रिक्स वही है। ये मंडप वगैरह तो बाद में बनाया गया है, पर ये ब्रिक्स जो है ना पुराने यूज में। इसके सामने, मंदिर के सामने ना ये चबूतरा है ना, चबूतरे का यूज होता था पूजा पाठ हवन वगैरह के लिए। और इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पे चौड़े चौड़े ईंटे का उपयोग हुआ, पतले एवं चौड़े ईंटे। ये ना बागीचा बनाया गया, रास्ता बगीचा तो खैर पुराना तरीके पुराना ही है वैसे। तो ये था इसमें ढोल मंदिर, इसके बाद हम जा रहे हैं रंगला मंदिर, रंगला बोलते हैं। ये है म्यूजियम, यहाँ पे लिखा भी है उतारन म्यूजियम। ये उसी समय का, मतलब जो राजाओं का कुछ सामान है रखा हुआ है म्यूजियम में। तो ये था आसाम का, मतलब आसाम में शिव सागर में ये म्यूजियम था, पास में ही था शिवदेव विष्णुदेव जो मंदिर है उससे आप जब बाहर निकलोगे ना तो मिलेगा ये म्यूजियम अच्छा है, छोटा है बट आपको काफ़ी चीज़ें, मतलब उसमें पुराने जमाने के सिक्के से लेकर हर चीज़ का है, मतलब 1000 साल 1200 साल पुरानी चीज़ें भी उसमें रखा हुआ। इस म्यूजियम का नाम है उतारन म्यूजियम। यहाँ के बाद ना ये था सामने विष्णुदेव शिवी देवल ये सब था मंदिर, और उसके बाद अब जा रहे हैं तलातल घर, इधर सामने अपोजिट चलते हैं तलातल घर। तो यहाँ पे ना सारा जो टूरिज्म वाला है सब आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक चीज़ है, मतलब एक जगह आ जाओगे तो आपको हर जगह, मतलब सारा चीज़ ना उसी के आसपास मिलेगा। तो अभी हम चल रहे हैं तलातल घर, जो यहाँ का सबसे फेमस है।